बिल्कुल, देखिए मैं ये दर्शकों को बताऊं कि जो ई शिक्षा कोश ऐप है, ये एक्चुअली मतलब एक तरह से समझिए शिक्षक शिक्षिकाओं की हाजिरी लेने का एक मतलब तरीका, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीका कह सकते हैं ऐप के द्वारा। शिक्षकों की हाजिरी तो खैर जरूरी है ही, क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा शैक्षणिक अराजकता की स्थिति आ गई थी और इस तरह की बातें होती थी कि शिक्षक बैठे हुए हैं, शहर में स्कूल है, खुद गाँव में बैठे हैं, धन रोपनी करा रहे हैं, धन कटनी करा रहे हैं, इधर हाजिरी भी बनने की का जुगाड़ है। और ऐसे तो सिद्धार्थ सर काफ़ी एक्टिव इधर लग रहे हैं, मतलब खुद पहुंच रहे हैं, जैसे पाठक सर औचक निरीक्षण करते थे, ये भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं और पहुंच जाते हैं। और ये सब बिहार के शिक्षकों को शिक्षा कोश ऐप को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं शिक्षा कोश ऐप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई सारे शिक्षकों से जुड़ा आपका भी रहा है, वर्तमान में कई सारे शिक्षक आपसे कनेक्ट रहे हैं और ऐसे में कई सारे शिक्षकों का कंप्लेन भी आपके पास आ रहा होगा। क्या कुछ शिक्षकों से बात हुई और क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्या कहिएगा इस पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये दर्शकों को बताऊं कि जो ई शिक्षा कोश ऐप है, ये एक्चुअली मतलब एक तरह से समझिए शिक्षक शिक्षिकाओं की हाजिरी लेने का एक मतलब तरीका, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीका कह सकते हैं ऐप के द्वारा। और इसमें बिहार सरकार ने ये नियम बनाया है कि 9 बजने में 10 मिनट जब रहे तो शिक्षकों को उसमें मतलब इन करना है ना, मतलब अपनी हाजिरी दिखानी है कि मैं मतलब ड्यूटी पर हूँ, और शाम 4:30 बजे उससे मतलब आउट कर जाना है कि ठीक है, अब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मोटा मोटी यही बात है। और शिक्षकों की हाज़िरी तो खैर जरूरी है ही, क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा शैक्षणिक अराजकता की स्थिति आ गई थी और इस तरह की बातें होती थी कि शिक्षक बैठे हुए हैं, शहर में स्कूल है, खुद गांव में बैठे हैं, धन रोपनी करा रहे हैं, धन कटनी करा रहे हैं, इधर हाजिरी भी बनने की का जुगाड़ है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो शैक्षणिक अराजकता रोकने के लिए जो भी कदम उठा रही है सरकार, या पहले पाठक सर ने उठाया था या अभी सिद्धार्थ सर उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो लोग शिक्षक लोग मुझसे मिलते हैं या शिक्षक नेता लोग बोल रहे हैं। अब व्यवहारिक कठिनाई आती है कि लोग उसमें इन ही नहीं कर पा रहे हैं शिक्षक लोग, है ना, या फिर उस समय 4:30 बजे वो आउट होना चाहते हैं तो बसते बसते शाम 6 बज जाता है। ऐसा तो होता है कि एक कमरे में यदि 5 शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे हुए हैं और उसमें से अलग अलग शिक्षक शिक्षिका का वो ऐप अलग अलग लोकेशन दिखा रहा है, जबकि कायदे से जब एक ही साथ सब बैठे हुए तो कायदे से सबका एक ही लोकेशन होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐप में गड़बड़ी है। अब आप ऐप जिसने भी बनाया हो, किसी कंपनी से सरकार ने बनवाया हो, या किसी, मुझे लगता है आउटसोर्स किया गया हो, किसी प्राइवेट कंपनी ने ही बनाया होगा शिक्षा विभाग के लिए, तो उस कंपनी में शिकायत जानी चाहिए। और तब तक जब तक आप ऐप की पूरी तरह मरम्मत नहीं कर देते, ठीक कर नहीं कर देते, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था भी रहनी चाहिए। बायोमेट्रिक हाजिरी हो सकती है या फिजिकल हाजिरी, जो परंपरागत तरीके से रजिस्टर में साइन करना, मतलब तारीख और इसके साथ समय के साथ, वो वाला भी आप विकल्प रख सकते हैं। ऑनलाइन विकल्प है तो ऑफलाइन भी विकल्प रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं की गलती नहीं है और ऐप में कमी है, उस वजह से यदि किसी को आप एबसेंट मार्क कर देते हैं, किसी का वेतन रोक देते हैं, तो इससे तो असंतोष होगा और ये अन्याय भी है। जी लगातार शिक्षकों के द्वारा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा उस ऐप में गड़बड़ी आ रही है, इसको लेकर सिद्धार्थ को सुधार करना चाहिए, शिक्षा विभाग को सुधार करना नहीं चाहिए। नहीं ये तो बिल्कुल देखिए वाजिब मांग है, और ऐसे तो सिद्धार्थ सर काफ़ी एक्टिव इधर लग रहे हैं, मतलब खुद पहुंच रहे हैं, जैसे पाठक सर औचक निरीक्षण करते थे, ये भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं और पहुँच जाते हैं। और ये सब होना भी चाहिए, सब में खौफ रहना चाहिए कि भाई आप पर किसी की दृष्टि है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छुट्टा सांड बन जाइए। तो ये जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही नई पीढ़ी का निर्माण होता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये शिक्षकों की भी यदि ये वाजिब मांग है तो इस पर तो शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। अमिताभ दास जी, किस तरीके की सुधार की आप मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मतलब ये ऐप जो होना चाहिए वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो ऐप में कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर होनी चाहिए, कि किसी को लॉग इन और लॉग आउट करने में मतलब दिक्कतें नहीं पेश आए। और जब तक ये नहीं होता, मान लीजिए उसमें 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का काम जो भी कर रहे हैं, वो कहें कि हमें 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, तो ठीक है, 15 दिन के लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था कीजिए, रजिस्टर पर हाजिरी की व्यवस्था कीजिए, बायोमेट्रिक हाजिरी कीजिए। क्योंकि बिना, मान लीजिए कोई हाजिर भी हो रहा है और उसका आप वेतन काट रहे हैं, तो ये तो मतलब सरासर अन्याय है, इससे तो शिक्षकों का मनोबल टूटेगा। जी
देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है, और ऐसे में शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग हो या फिर एस सिद्धार्थ हो, उनको कुछ वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी चाहिए जिसके बाद शिक्षकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, और कहीं ना कहीं परेशानी का कारण जो शिक्षा कोष ऐप है वो है। ऐसे में शिक्षा कोष ऐप के जरिए जिस तरीके से अटेंडेंस बन रहा है उसको देखते हुए कई सारे शिक्षक जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका अटेंडेंस ही नहीं बन पा रहा है समय पे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार के पूरा IPS अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।